मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मड़िचो खटे ताटुर का आज चार धाम आए दिन, मड़ राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। जय श्री राम। चरण मोरा मेरा ठिकाना हो। तो कभी किसी के साथ लड़ना झगड़ा नहीं है। तो जो राम श्री राम जी थे वो पुरुष उत्तम उन्हें कहा जाता था, तो वो इंसानों में पुरुष उत्तम थे, मतलब सबसे हाई जगह पे उन्हें माना जाता था, क्योंकि वो ऑनेस्टी की वजह से बहुत फेमस थे, वो आइडियल पर्सन थे और वो जस्टिस पे ज्यादा बिलीव करते थे। इनका जो भाव है अयोध्या नगरी में ये लोग घूम रहे हैं। जी जी जी, बहुत ही जान के खुशी की बात है ये। और दिल होना चाहिए, मुस्लिम और हिंदू या फिर सिख ईसाई से नहीं मतलब है। दिल अगर आपका गवारा करता है कि आपको राममय होना है तो होना चाहिए, डजंट मैटर कि आप हिंदू है या मुस्लिम है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, भारतीय लोग एक बहुत ही बड़े महापर्व का इंतजार कर रहे हैं जो कि 22 जनवरी को आने वाला है, लेकिन यहां पर केवल हिंदू धर्म के लोग ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म के लोग भी इस महापर्व का इंतजार कर रहे हैं। और मुस्लिम धर्म की लड़कियां प्रभु श्री राम के मधुर भजन गाते हुए प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारियां कर रही हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जल के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जल के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर के उरी जिले में रहने वाली एक मुस्लिम छात्रा बतुल जहरा ने अपनी पहाड़ी भाषा में प्रभु श्री राम का एक बहुत ही मधुर भजन गाया। उनका यहाँ पर कहना था कि मैंने गायक जुबैन नौटियाल का श्री राम भजन मेरे घर राम आएंगे सुना और ये उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और फिर उन्होंने इसी हिंदी भजन को पहाड़ी भाषा में अनुवाद करके लिखा और फिर उसको गाया। इसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम के इस भजन को इंटरनेट पर साझा किया और ये भजन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और
इसीलिए लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मुस्लिम छात्रा का यहाँ पर कहना था कि आज हमारे पूरे देश में एक बहुत ही बड़े महापर्व की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और इन खुशियों में हमारे कश्मीरी मुस्लिम भी कहीं से भी पीछे नहीं हैं और इसीलिए हम मुस्लिम धर्म के लोग उनका स्वागत करने के लिए प्रभु श्री राम के ये मधुर भजन गा रहे हैं। ये गीत तो इस गीत को तो 3 महीने हो चुके हैं। कुछ ही यही 15-20 दिन पहले मैंने इस गाने को सुना था तो मुझे ये गाना बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सुना कि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है तो क्यों ना मैं भी राम मंदिर को डेडिकेट करते हुए आप सभी के लिए अपनी जनता के लिए ये गाना गाऊँ। बेटा सुनाइए इस गाने को आप। जी मैंने एक हिंदी भजन सुना जुबीन नौटियाल का तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो उस वजह से मैंने कहा कि जब ये हिंदी में गा सकते तो मैं इसे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में क्यों नहीं गा सकती। तो मैं बैठी कॉपी पेन लेके मैंने ये भजन अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में गाया, मेरी मदर टंग में गाया। तो फिर मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके मैंने सर को सुनाया। सर ने कहा हाँ बहुत अच्छा है। तो जिनके कश्मीर हेड के साथ मैं काम कर रही हूँ तो उन्होंने ये पोस्ट किया और वहाँ से ये जो मेरा राम भजन है ये बहुत वायरल हो गया। तो कैसा फील कर रही है अभी? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, थैंक्स टू इंडिया, इवन थैंक्स टू LG, क्योंकि ये LG साहब की वजह से हो रहा है कि लोगों के माइंड से नेगेटिव चीज़ें निकल रही हैं। तो इस टाइम जैसे मैंने राम भजन गाया तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत कांग्रेट्स किया मुझे कि आपने इतना अच्छा गाया। इस टाइम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से आपको कॉल्स आ रही हैं, आप लाइव कर रहे हैं उनके साथ, ये सारा कश्मीर एड की वजह से हुआ। तो लोगों के लिए पूरे हिंदुस्तान में आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी ये मैसेज है, फर्स्टली जो मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ तो जो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है ना उनका ये पैगाम है कि जिस वतन में आप रहें उनसे मोहब्बत करें, मतलब वतन हुब्बे मोहब्बती जिसको बोलते हैं अपने वतन से करिए। तो मेरा ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मड़ी चोखटे ताटुर का आज चार धाम आए दिन, मड़ राम आए दिन अम्मा सीता नाल आए दिन, लक्ष्मण होर बात हनु मानाए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। सानिया है जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं, ये भूरा ढोलक वाले हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से अपनी कला के प्रति इनका जो भाव है अयोध्या नगरी में ये लोग घूम रहे हैं। जी 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 बहुत ही जान के खुशी की बात है ये, और दिल होना चाहिए मुस्लिम और हिंदू या फिर सिख ईसाई से नहीं मतलब है। दिल अगर आपका गवारा करता है कि आपको राम में होना है तो होना चाहिए, डजंट मैटर कि आप हिंदू है या मुस्लिम है। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाया इन्होंने, मतलब जो भक्ति, मतलब जो कहते हैं कि ना लिरिक वगैरह इतना बढ़िया इन्होंने गाया, हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब ये मुस्लिम है, अभी आपने बताया तो, क्योंकि एक एक लफ्ज़ इनके, एक एक जो हमारे भजनों में जो कहते हैं ना, बहुत मुश्किल हुई होगी आपको सीखने में या फिर इजीली? नहीं, मुश्किल नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये दुनिया के लिए क्या कहेंगी आप? बहुत ही इनकी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत ज्यादा कम है, मतलब कोई लफ्ज नहीं है इनके लिए कि मतलब इनकी तारीफ इतनी ज्यादा की जाए, इनकी तालियों से इतने ज्यादा स्वागत किया जाए। हालांकि अभी सबको लेकर यहाँ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।